हेलो दोस्तों, मैं हूं निधि मित्तल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे BSF में निकली वैकेंसियों के बारे में। दोस्तों, आपको इस रिक्रूटमेंट के बारे में जानने के लिए सबसे पहले जाना होगा JagranJosh.com की वेबसाइट पर, जहां पर आपको राइट हैंड साइड पर सर्च का बटन मिलेगा और आपको इस बटन पर क्लिक करना होगा और टाइप करना होगा BSF Recruitment 2020। ये आपको लेकर जाएगा BSF Recruitment 2020 के नोटिफिकेशन पेज पर, जहां पर आपको BSF Recruitment नोटिफिकेशन का लिंक मिलेगा। अगर आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आर्टिकल ओपन हो जाएगा। दोस्तों, हाल ही में BSF ने 317 वैकेंसियों की घोषणा की है, जिसमें SI और हेड कांस्टेबल पोस्ट हैं। आप इन वैकेंसियों के बारे में इस आर्टिकल के जरिए जान सकते हैं। अगर आप इस आर्टिकल को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकेंगे एप्लीकेशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट एंड अदर डिटेल्स अबाउट द पोस्ट। दोस्तों, 10वीं, 12वीं और ITI होल्डर्स के लिए बेहद अच्छी अपॉर्चुनिटी है। डायरेक्टरेट जनरल बोर्ड सिक्योरिटी पोस्ट ने 317 वैकेंसियों के लिए घोषणा की है, जो कि ग्रुप बी और सी के पोस्टों के लिए है। इनके जरिए वाटर विंग के अंदर कैंडिडेट्स को रिक्रूट किया जाएगा। अगर आप 10वीं, 12वीं और ITI डिप्लोमा होल्डर हैं, आप इन वैकेंसियों पर 15 मार्च से पहले अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इन वैकेंसियों पर अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि आपकी आयु 20 से 28 साल के बीच हो। और इसी के साथ जो कैंडिडेट्स रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उन्हें कुछ एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। अगर आप इसका इम्पॉर्टेंट डेट्स देखेंगे तो इसमें लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो है वो 15 मार्च 2020 है। अगर आप इस आर्टिकल को देखेंगे तो इसमें आप वैकेंसी सेग्रीगेशन देख सकते हैं। इसकी टोटल वैकेंसीज जो हैं 317 हैं। SI मास्टर के लिए 5, SI इंजन ड्राइवर के लिए 9 वैकेंसी, SI वर्कशॉप के लिए 3। इसी तरह और भी वैकेंसी हैं, जो कि आप इस आर्टिकल में सभी वैकेंसी के सेग्रीगेशन को देख सकते हैं। इसी तरह अगर आप नीचे जाएंगे तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। अगर आप SI मास्टर इंजन ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप 12वीं पास हों। इसी तरह अगर आप हेड कांस्टेबल मास्टर और इंजन ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 10वीं पास होना ज़रूरी है। इसी तरह SI वर्कशॉप के लिए ज़रूरी है कि आपके पास मैकेनिकल में बैचलर की डिग्री हो। CT क्रू के लिए आपका 10वीं पास होना ज़रूरी है। आप इन वैकेंसियों के बारे में और डिटेल में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमने इस आर्टिकल के अंदर नोटिफिकेशन PDF दिया हुआ है। अगर आप इस नोटिफिकेशन लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये PDF ओपन हो जाएगी। दोस्तों, आप इस PDF के ज़रिए हर डिटेल ले सकते हैं और इसमें आपको एप्लीकेशन का एड्रेस भी दिया हुआ है कि आपको कहां पर सबमिट करनी है। ये ऑफलाइन एप्लीकेशन है, जिसके लिए आपको 15 मार्च से पहले ये एप्लीकेशन भेजना होगा BSF के ऑफिस में। अगर आप चाहें तो इस PDF को डाउनलोड करके भी इन वैकेंसियों के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। दोस्तों, आपको ये रेड मार्क में जो PDF का साइन दिया है, बस इस पर क्लिक करना होगा और आपके सामने ये PDF डाउनलोड हो जाएगा। इसी तरह आप BSF की ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। आपको ऑफिशियल वेबसाइट जो कि इस टेबल में दिया है, वहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक करना होगा तो आपके सामने BSF की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप इसके ज़रिए भी अदर डिटेल ले सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो 15 मार्च है। आपके लिए ये बेहद अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप इन वैकेंसियों पर 15 मार्च से पहले अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और डाउनलोड करें सरकारी नौकरी ऐप। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए देखते रहें www.jagranjosh.com।